तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इडियट। विकी पहुंचने से पहले आ जाना। मैं पहुंच जाऊंगा। अरे बैग संभालिए पहले अपना। चलो। अरे अकेले कर लिया। हेलो हेलो बाय बाय थैंक यू। अरे मिठुन साहब, पहचाना कि नहीं? सीके कदम आर्ट्स क्लब। ओ हेलो मिस्टर कदम, थैंक यू वेरी मच। उस दिन अगर आप आर्ट्स क्लब में शूटिंग करने के लिए मदद ना करते तो हमारी शूटिंग ही नहीं होती। बॉम्बे जा रहे हैं जी? बच्चों के फ्यूचर के लिए माँ बाप को कहाँ कहाँ भागना पड़ता है। ऑल द बेस्ट, सी यू। अरे आइए दादा। वाह, मेरे आने से पहले ही महफिल जमा दी। अब महफिल का रंग तो आधा है और दादा कह रहे के बाद तो बहुत ज्यादा है। दादा महफिल के लिए तैयार होके आया हूँ। लेकिन मिठुन दा, आप इतने बड़े स्टार और इस ट्रेन में क्यों? कोई खराबी है क्या ट्रेन में चलना? क्या है कि कल बॉम्बे में मेरी शूटिंग है और यहाँ एयरपोर्ट तो है नहीं, प्लेन का सवाल ही नहीं उठता। अपनी कार से जाता तो वक्त पे पहुंच नहीं पाता। सही बात है। और पहली बार थोड़े ही मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूँ। अच्छा भिंग नागपुर कर जी, कहीं तुम बॉम्बे में हम स्टारों की रोटी छीनने तो नहीं जा रहे हो? अरे दादा खुश तो बहुत हो गए तुम आज, खुश तो बहुत हो गए। क्यों आदमी जिसने बॉम्बे की शक्ल नहीं देखी वो आदमी आज पहली बार बॉम्बे जा रहा है, खुश तो बहुत हो गए। वो आदमी अपने शहर कभी नहीं लौट के आएगा, कभी नहीं लौटेगा। अच्छा ये डायलॉग तुम्हारा है? दीवार कहाँ है? दादा पहले आपके और हमारे बीच की ये दीवार तो गिरा दीजिए। हाँ दादा। कैसे दीवार? दादा हम लोगों ने बहुत लोगों को समझाने की कोशिश की कि आपके और हमारे बीच दोस्ती है, फ्रेंडशिप, लेकिन कोई मानता ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है। नहीं मानना चाहता ना माने, लेकिन तुम जानते हो और हमारा दिल जानता है। तो फिर दादा आज क्यों ना अपनी दिल की तस्वीर इस कैमरा में कैद कर ले। गुड आइडिया, गुड आइडिया। एक तो फोटो, एक तो। ओह श्योर। ए चल चल चल, आजा आजा भाई, आजा खोका, चल चल खोका, जल्दी रेडी। बैठ बैठ इधर, ठीक है चिटक के बैठ। किधर है? इधर है। एक और ले लो, एक और ले लो, एक और, एक और। अरे यस यस, थैंक यू। हां रेडी? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इधर इधर। वन मोर, एक और, एक और, एक और, एक और, थैंक यू। चलो चलो, एक तो, एक तो गोदी में। दादा एक तो किश किशान। चलो मैं अभी तुम लोगों का फोटो लेता हूँ, लाओ। चल चल आजा, ये किस मास्टर आजा आजा। इधर 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 इधर। अरे इधर 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 इधर। चलो और एक और, एक और, एक और, एक और। हाँ एक और। फोटो की जवाया जा रहा है? जा रहा है यार, खारे में कंकड़ की तरह आ जा रहा, जा। रेडी 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 रेडी। थैंक यू दादा। अच्छा दोस्तों अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। दादा क्यों नहीं, आप आराम कर लो, चलिए चलिए। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ, क्या हो रहा है? क्या किया इस हरामजादे ने? गाली मत, बाप होगा तो इसका घर में। मैं घर में भी इसका बाप हूँ और यहाँ भी इसका बाप ही हूँ। तू कौन है रे? कहां से आया है गुंडागर्दी करने? जब से हम गाड़ी में चढ़े हैं तेरी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या हुआ साहब? मैं कहता हूँ चेन खींचो और इस गुंडे को पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस का डर चोर और चक्को को देना। मैंने किया ही क्या जो तू इतना रोक जमा रहा है? सुबिजु प्लीज शट अप चमचा, मेरी दारू पी के मुझ पर चढ़ रहा है। यू शट अप। ओए पी के बीच में मत घुस। क्या हो गया? अरे मिठुन दा देखिए ना, ये नशे में धुत मेरी बेटी के साथ। दादा 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 दादा, मैं तो सिर्फ इसे इतना पूछ रहा था कि बेबे तुम अपने बालों में कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हो, तो ये लोग सब चिल्लम्पू पे उतर आए। दादा मैं तुम भेजो, भेजो जाओ अपने कूपे में जाओ।
लड़के हो जाता है, छोड़ दीजिए, भूल जाइए। मिटुंदा आपके कहने पर मैं छोड़ रहा हूँ, वरना क्या कर लेता है साले। रात के 11 बज चुके, जाओ जाके सो जाओ। गुड नाइट दादा। कुल लाऊं। कलम साहब एक सच बात बताइए, आपने भी इस उम्र में कहीं नजरें नहीं घुमाई, नादानियां नहीं की? हालात चाहे कितने भी गर्म क्यों ना हो, उसे ठंडा करना आप जैसे कलाकारों से ही सीखे, वरना इस बदतमीज को जेल भेजने से कोई नहीं रोक पाता आज। मिथुन जी, मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है, सारी पिक्चरें देखती है आपकी। अच्छा, उसके लिए एक ऑटोग्राफ देंगे प्लीज। खूबसूरत लड़कियों का नाम पूछे बिना मैं ऑटोग्राफ नहीं देता। क्या नाम है तुम्हारा? जी मंजुला। With love to Manjula. Thank you. अरे उठो, सब घोड़े बेच के सो रहे हो क्या? गाड़ी बॉम्बे पहुंचने वाली है। माने सुबह तुम लोग कितने तमीज और तहजीब से पेश आ रहे हो, कितने अच्छे लग रहे हो। और बिजू, तुम्हें कुछ याद है कल रात को तुमने क्या क्या हरकतें की? दादा रात के लिए माफ कर देना, एक तो नशे में थे, ऊपर से आपसे मिलने की खुशी। चलो खुशी का इजहार तो हो गया, लेकिन प्यार जताने के लिए रात को दोबारा तो नहीं उठे थे? उठा तो था दादा, लेकिन क्या हुआ कुछ याद नहीं आ रहा। एक होगा, क्या हुआ था कल रात को? दादा नींद में हम कुछ नहीं किया। ब्रिंग, कुछ याद आया कल रात का? अरे यार अपनी तो कल रात को जो बत्ती गुल हुई है तो अब जाके ऑन हुई है। दादा सच तो ये है दैट वी एंजॉयड अ लॉट। अच्छा एक बात बताओ मिठुंदा, अगर आप हमारी जगह होते तो क्या करते? लेकिन एक एक्टर की निजी जिंदगी से आजादी खत्म हो जाती है, वो जनता की संपत्ति बन जाता है। बहुत खुशनसीब वाले हो तुम लोग। पर दादा हम लोग बंबई में आपसे मिलेगा कैसे? घर पे फोन कर लेना। चलो अब तैयार हो जाओ। मंजुला तूने मेरी बेटी का खून किया, पूरे रास्ते तंग करता रहा, आखिर उसकी जान लेकर ही माना तू? तू अरे खुका, भाग खुका, भागो। ये लीजिए, कितना हुआ? प्रियंका क्या हुआ? बैठो जल्दी। मगर हुआ क्या? बताता हूँ। ₹1000 एडवांस। रजिस्टर में अपना नाम और पता लिख दीजिए। जमुना प्रसाद ऐशला काम। चुप। ओ मंजुला, हाँ मंजुला उठ जा बेटी, उठ जा। ये मेरी बेटी को क्या हो गया? मंजुला नहीं, उठ जा, तुझे कॉलेज नहीं जाना, मेरे तो तेरे कपड़े भी निकाल दिए। देखो मंजुला, अरे ये मेरे लोग मेरे बच्ची को कहाँ ले जा रहे हैं? मैं आप पे काबू रखूं। मंजुला नहीं, मेरी बेटी नहीं। डॉक्टर, नर्स, नहीं ऐसा नहीं करते, संभालो।
आदमी होता है जो समझाने पर समझ जाता है, पर तुम अपनी आदत से मजबूर हो क्योंकि तुम्हारी लड़कियों के पीछे भागने की आदत नहीं गई। देख लिया नतीजा, अपनी खुराफातों की वजह से आज तुम एक खूनी बन गए हो, खूनी। देखो प्रियंका, तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, पर मेरे ऊपर ये बेतु का इल्जाम मत लगाओ। मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि मैंने किसी लड़की का खून नहीं किया। हाँ, मुझे विश्वास दिलाने के लिए इतना काफी है विजू, पर कानून कानून प्यार की सौगंध को नहीं मानता। तुम बॉम्बे पुलिस को नहीं जानते विजू, वो गुनेगार को कब्र से भी ढूंढ कर निकाल लेती है। तुम लोग यहाँ कब तक छुप कर रह सकते हो? वो लोग तीन थे, जवान और नशे में धुत, पूरे रास्ते हमारी बेटी को तंग करते रहे, यहां तक कि रात एक ने हमारी बेटी के साथ जबरदस्ती भी करने की कोशिश की। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक आपकी बेटी के साथ जोर जबरदस्ती तो हुई है, लेकिन बात बलात्कार तक नहीं पहुंची। क्या कोई और वजह भी हो सकती है कत्ल की? और क्या वजह हो सकती है इंस्पेक्टर साहब? उन गुंडों के अलावा मेरे ख्याल में और कोई नहीं आ रहा। आप पंकज निगम को कैसे भूल गए? वो भी आपके कुपे में था और कत्ल के वक्त से आज तक वो भी लापता है। वो सीधा साधा कंप्यूटर इंजीनियर, उसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। खून करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती है कदम साहब, हिम्मत और चालाकी की होती है। आप याद करके उन सब के नाम बताइए जो सफर के वक्त आपके कूपे में दाखिल हुए। मेरा नाम इंस्पेक्टर आदित्य तलवार है। 20 साल की सर्विस में मेरा 40 जगह ट्रांसफर हो चुका है। मैंने 80 मुजरिमों के एनकाउंटर किए हैं, मतलब मार डाला है। मैं सवाल नहीं करता, सिर्फ जवाब सुनना पसंद करता हूं। इतना समझ लेना कि आज की तारीख में तुम तीनों मेरे सामने मुजरिम बनकर खड़े हो। साहब, मुझे अकोला से बंबई आना था। मेरी बीवी बहुत बीमार है, सेकंड क्लास में तिल लगने की जगह नहीं है और मेरा जाना बहुत जरूरी है। साहब, आप जो सेवा कहेंगे वो मैं करूंगा। साहब, मुझे कैसे भी ले चलिए बंबई। साहब, रात को मैं दरवाजे के पास हो गया था और सुबह 6 बजे कल्याण स्टेशन पर उतर गया। साहब, खाना देते वक्त मेरे हाथ से पानी छलक कर उस लड़की पर गिरा। मैंने उसके जिस्म को देखा तो थोड़ी नीयत खराब हो गई। मेरा इतना कसूर है इंस्पेक्टर साहब, बस। सर, मैं मानता हूं कि मैंने उन लड़कों की दारू पी थी, लेकिन मेरा ना तो उन लड़कों से कोई ताल्लुक है और ना ही इस खून से। सर, ट्रेन में तो हमारी 50 लोगों से मुलाकात होती है, उनकी दारू पीते हैं हम लोग, उनसे रिश्वत भी लेते हैं हम, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारी उनके साथ में रिश्तेदारी हो गई। हाँ? अरे हाँ सर, याद आया, उन लड़कों की मिठुन चक्रवर्ती के साथ में पुरानी पहचान थी। जी हाँ,